बाबई से कृषक प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम के तहत उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा उद्यान रोपण गुर्जर वाड़ा में 550 किसानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। उक्त आयोजन में कृषि विज्ञान केंद्र गोविंद नगर बनखेड़े के विशेषज्ञ वैज्ञानिक लवेश चौरसिया ने उपस्थित किसानों को उद्यान विभाग की और खेती संबंधी किसानों के प्रश्नों के जवाब बड़े विस्तार से दिए। वहीं इटारसी से आए एस के महाला ने जैविक खेती पर बड़े विशेष तरीके से उपस्थित किसानों को व्याख्यान दिया, जैविक खेती का महत्व समझाते हुए इसे अपनाने की बात कही और मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के युवा जनपद सदस्य नरेंद्र मालवीय ने भी उद्यान विभाग द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि जब से उद्यान विभाग में एस के गौर ने पदभार संभाला, जब से छोटा बड़ा कोई भी किसान मायूस होकर नहीं लौटा है। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी एस के गौर के प्रयासों के चलते क्षेत्र और आदिवासी क्षेत्रों में उद्यान विभाग की योजनाएं प्रमुखता से संचालित हो रही हैं और लोगों को लाभ पहुंच रहा है। इस अवसर पर विभाग का समस्त अमला मौजूद रहा। निवेदन किया गया, अभी कुछ बहुमूल्य सुझाव जो डॉक्टर साहब की ओर से आपको दिए जाना है वो शेष थे, तो मैं पुनः उनसे निवेदन करता हूँ कि हमारे किसान भाइयों को वो आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करें अपने उद्यान की फसलों की अधिक पैदावार लेने के लिए। तो आदरणीय डॉक्टर चौरसिया सर, किसान भाइयों, जैसे सुबह हमने जो बात की बेमौसमी सब्जी की खेती, एकीकृत खेती, साथ में कृषि के नए अधिनियम या फिर अपने आपका विपणन संबंधी किसान उत्पादन संगठन के बारे में, अब जैसे आखिरी में मैं बात कर रहा हूँ संरक्षित खेती की। जैसे यहाँ आप प्रक्षेत्र में देख रहे हैं पॉली हाउस भी बना है, शेड नेट भी बना है, इनका पर्पस क्या है जो मैंने विषय आपको बताया, बेमौसमी खेती, या तो नर्सरी का उत्पादन, उसके अंदर नर्सरी लगाना, फल की हो, सब्जी की हो, फूल की हो, या फिर बेमौसम में फसल उत्पादन करना। जैसे आप जानते हैं बारिश के मौसम में एक साथ बारिश इतनी ज़्यादा हो जाती है, खेत में पानी भर जाता है, तो अपन यदि अपने पास ऐसी संरचनाएँ होंगी उसमें अपन खेती करेंगे, इससे पानी आने की संभावना नहीं होती है, ये कम रहती है संभावना, तो बेमौसम खेती करने के लिए ये संरचनाएँ होती हैं। तो ये तो सबसे ऊँची श्रेणी हो गई। सबसे पहले इसकी शुरुआत अपन जो बोलते हैं प्रोट्रे में नर्सरी लगाना, आज के समय में प्रोट्रे आती है, कोकोपेट है, वर्मिकुलाइट है, परलाइट है, या ये नहीं है तो कोकोपेट के साथ अपन वर्मिंग कंपोस्ट केचो की खाद मिला के ट्रे में नर्सरी लगा सकते हैं। 40 में इसकी कीटरोधी जाली से ढक के नर्सरी में अपन कीटरोधी जाली से ढक कर रखेंगे, कोई कीड़ा नहीं आएगा तो खेत में वो पौधा मजबूत रहेगा, और नर्सरी में हम दवाई डालते रहेंगे तो खेत में और नुकसान हो जाएगा। नर्सरी अपन ने बना ली मिट्टी मृदा रहित माध्यम के साथ में कोकोपेट केचो खाद के साथ में 40 में स्किन सेट ने रूप में रख के। दूसरा आता है उठी हुई क्यारी, अपन प्लेन खेत में ना लगा के कुंड ने नाली बनाए, यानी ऊपर उठी हुई बेड बनाए, नालियां बनाए। तीसरी तकनीकी ड्रिप इरीगेशन, परंपरागत रूप से भाव से जो हम सिंचाई करते हैं सब्जी वाली फसलों में, फल वाली फसलों में ड्रिप का इस्तेमाल करना है। फिर आवरण की बात आती है प्लास्टिक मल्चिंग या जैविक मल्चिंग, जैसे आपके पास धान का पुआल है, गेहूं का पुआल है, इसको अपन बिछा लें तो वो जैविक हो गया, प्लास्टिक मल्चिंग बिछाएंगे तो वो रासायनिक हो गई। फिर इसके बाद आता है स्टेकिंग, अपन किसी भी फसल को लगा रहे हैं उसको एक बांस गाड़ के तार के साथ सहारा देंगे, मिट्टी के टच में नहीं आएगा फल, तो उसी गुणवत्ता अच्छी रहेगी। फिर हमने बताया जैसे जो खेती वाले किसान है धान गेहूं वाले, वो नाटिव कंपोस्ट बनाए, तो हमारे हॉर्टिकल्चर वाले किसानों को केचो खाद बनाना है, विभाग को एचडीबी वर्मी कंपोस्ट में सब्सिडी भी दे रहा है, जिन लोगों को मिल गई है उसमें केचो खाद का निर्माण करें। बस केचो खाद के निर्माण में एक सावधानी ये रखनी है, ताजा गोबर जो होता है उसको जब हम बेड में डालते हैं तो उसकी गर्मी के कारण केचुए मर जाते हैं, तो गोबर को पहले 15 दिन ठंडा हो जाने दें, जब ठंडा गोबर हो जाए फिर उसमें अपन केचुए डालें तो केचुए नहीं मरेंगे। और तो केचुए डालने के बाद बारिश के मौसम में ऊपर तिरपाल रखनी है ताकि ज़्यादा पानी नहीं जाए, नहीं तो आपका वर्मी वाश लिक्विड हो जाएगा, काम नहीं करेगा। और केचुओं को जब 2.5 महीने बाद निकालते हैं उससे, तो उसके लिए छलनी बनाते हैं ताकि जब अपन केचुओं तगाड़ी भर के डालेंगे केचुओं केचुए छलनी में रह जाएंगे, खाद आपके नीचे आ जाएगी, उसकी पहचान होती है जब खाद पकती है बारीक चाय पत्ती जैसी खाद होगी, यानी पक गई वो, तो पारंपरिक गोबर की खाद जो अपने 6 महीने लगते थे केचुओं खाद आपकी 2 से 2.5 महीने में तैयार हो जाती है, इससे पोषक तत्व की मात्रा डबल हो जाती है। फिर इसके बाद बात आती है, अपने कीटोदी जाली की बात कर ली, इसके बाद आता है शेड नेट जिसको अपन कहते हैं छाया गृह। इसका फायदा क्या होता है, गर्मी के मौसम में धूप से बचाता है पौधों को, आधी धूप आधी छांव मिलती है, और ठंड के मौसम में जो अपन कहते हैं तुषार या पाला पड़ता है
तो ठंडी हवाएं भी सीधी प्रवेश नहीं करती। खबर भारतवर्ष के लिए बाबई होशंगाबाद से राकेश नायक की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।